दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बेल्ट ब्लाउज कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट ब्लाउज कैसे बनाएं। इसमें मैं एक सुंदर सी नेक डिजाइन देने वाली हूँ, वो है पॉट नेक। चलिए अभी आपको बताती हूँ इसका तरीका क्या है। देखिए ये साड़ी का ब्लाउज है और ये इसका लाइनिंग है। तो जब भी आप लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाए तो लाइनिंग को आप धो लें और उसके बाद इस्त्री करके फिर कटिंग करें। वो डायरेक्ट ब्लाउज पर कटिंग करके बता रही है और सेम ड्राफ्ट को मैं लाइनिंग पर रख दूंगी और उसके बाद उसको कट कर देंगे। तो चलिए अभी कटिंग करते हैं। तो देखिए ये ब्लाउज पीस है, जबकि ये ब्लाउज कपड़ा बहुत कम है लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा है, जो इसका पन्ना है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें से हम निकाल देंगे ब्लाउज। और जो ब्लाउज है ये 40 साइज का है। तो देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया सेंटर से और जो इसकी लंबाई है वो 14.5 इंच है बैक साइड में, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हमारा मार्जिन रहेगा। तो देखिए 16 इंच ले लें क्योंकि ये किनारी है तो ये थोड़ी अंदर तरफ चली जाएगी, तो टोटल 16 इंच ले लें आप। और इसका शोल्डर है 13 इंच, तो हमको 6.5 इंच लेना है। मुड्डे 6 इंच, जो इसकी ओपनिंग है ब्लाउज की वो फ्रंट में है तो इसीलिए सबसे पहले मैं बैक पीस काट रही हूँ। तो मुड्डे 6 इंच। अभी ये 40 साइज है तो जब हम तैयार करेंगे तो ये हमारा 10 इंच आएगा। अभी हम 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, तो आप 12 इंच ले लें। और इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन कर दें और देखिए ये हमारा तैयार साइज है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच। तो ये तो हमारा मुड्डे हो गया, साइज हो गया। तो मैं अभी आपको बताऊंगी इसमें नेक की कटिंग, और इसमें मैं पॉट नेक बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप नेक की आपकी लेंथ ले लें कितना है। जैसे मुझे ये तैयार में 10 इंच चाहिए, तो जब आप कटिंग करें तो 10.5 इंच ले लें क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर पर स्टिचिंग में चला जाएगा उसके लिए। और ये पॉट नेक है तो थोड़ा ब्रॉड आता है, तो नीचे से मैंने 4 इंच ले लिया है और शोल्डर से 3 इंच लूंगी। और इस तरह से एक ड्रॉ कर ले लाइन। तो अभी हमको पॉट नेक बनाने के लिए शोल्डर से अब 3 इंच ले लें, 3 इंच पे एक निशान लगा दें इस तरह से। तो जो यहाँ से और जो निशान हमने इधर लगाया, लेकिन इसकी जो आएगा इस तरह से आएगा आगे की तरफ, तो ये 1/2 इंच के आसपास इसको हम इधर ले लेंगे आगे की तरफ। और अभी अब कितना ब्रॉड है इसको मैं रख रही हूँ 4 इंच, तो ये सिंगल में 8 इंच आएगा और हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रॉड आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच अगर आप सिंगल करेंगे। शोल्डर से हमने 3 इंच लिया लेकिन यहाँ पे 1/2 इंच हमने ज़्यादा ले लिया तो 2.5 इंच आ रहा है, तो सेम शेप पे इसको कट कर देंगे। देखिए ये बैक पीस हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और अभी हम फ्रंट पीस कट करते हैं। तो देखिए हमने जो कट किया था तो ये इस तरह से आ रहा है, अभी हम इसको अपनी तरफ कर लेते हैं। आप इस तरह से कम कपड़े में भी ब्लाउज बना सकते हैं फुल साइज का। तो अभी फ्रंट पीस कट करते हैं, तो ये जो हमने यहाँ पर मुंडे कट किए थे यहीं से हम शोल्डर ले लेते हैं सेम 6.5 इंच। और जो हमारा कप साइज है वो तैयार में 12.5 इंच है और 1 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे तो 13.5 इंच लेंगे। मुड्डे 6 इंच। और जैसे हमने फ्रंट में लिया बैक में लिया था सेम उसी तरह इसमें ले लेंगे। अभी जैसे हमने पीछे में 1.5 इंच गुलाई दी लेकिन इसमें हम 1 इंच ही देंगे क्योंकि 1/2 इंच हमको बाद में भी कट करना ही है। आगे का नेक 6.5 इंच, तैयार में 6 इंच आएगा। आगे से इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे 3 इंच ले लें लेकिन शोल्डर से 2.5 इंच ही लेंगे। और इस तरह से
आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर ले जो कपड़ा आगे पीछे है हमारा, यहाँ से भी इस तरह से स्ट्रेट कर ले, और फिर मैं इसमें आपको गुलाई देके बताऊंगी। तो स्ट्रेट पार्ट हो गया, अब इसमें हम गुलाई देते हैं। तो यहाँ से हमको 1.5 इंच ले ले, आपने जो पूरी लंबाई ले ली वो स्ट्रेट कट कर लिया, यहाँ से स्ट्रेट कट से फिर 1.5 इंच की इसमें गुलाई ले ले यहाँ पर, और हल्की सी गुलाई हम यहाँ पर भी दे देंगे। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। अब इस सेम ड्रॉ पे इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये पीस भी मैंने कट कर दिया, मैंने 1/2 इंच। अभी इसमें साथ में ही जैसे 1.5 इंच की बजाय मैंने 1 इंच लिया था। अगर आप नए नए हैं तो सबसे पहले आप लाइनिंग पे कट करें, उसके बाद ब्लाउज में। देखिए ये साइड से भी मैंने कट मार दिया, तो ये फ्रंट ओपनिंग है, तो ये पार्ट हमारे दोनों इस तरह से आ जाएंगे। देखिए देखिए ये तो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। अभी यहाँ पर जो हम बेल्ट लगाएंगे, अभी आपको उसकी कटिंग बताती हूँ। तो देखिए जब हमने यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज कट किया है तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारी शेप आ रही है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली आपको बेल्ट की लेंथ ले लेनी है कितनी रखनी है। तो सेंटर से 4 इंच ले रही हूँ मैं, ये विथ मार्जिन रहेगी क्योंकि हम इसको अंदर जरा सा फोल्ड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, या फिर आप नीचे लाइनिंग पट्टी लगा के भी स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हम इसको स्ट्रेट कट कर ले लेते हैं। तो देखिए ये हमने स्ट्रेट कट कट कर लिया है, और यहाँ से अभी हमको जैसे हमने उसमें 12 इंच लिया है तो इसमें हम 11 इंच ले लेते हैं। अगर ज़्यादा रहेगा तो बाद में आप कटिंग कर दें तैयार होने के बाद। तो देखिए हमारी ऑलरेडी यहाँ पे शेप आ रही है, तो अभी आपको बताती हूँ यहाँ पर कितना पौन। देखिए यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, तो दूसरी साइड में 4.25 इंच जो हमारा ये साइड फिटिंग रहेगा उस साइड में आ रहा है, 5 इंच हमारा ये साइड में जहाँ पर हमारे हुक आएंगे। इसको भी कट कर देती हूँ, तो ये दोनों बेल्ट हमारी तैयार हो गई हैं। अभी आपको बताती हूँ स्लीव की कटिंग। तो अभी हमें स्लीव की लंबाई 5.5 इंच है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा रखेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन भी लेते हैं इसमें। तो आप इसको, मैं 5.5 इंच है तो उसके लिए मैं 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि इसमें मार्जिन भी रहेगा सिलाई के लिए, जो हमको नीचे फोल्ड करना है वो भी इसी में कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो 5.5 इंच है तो आपको 6.5 इंच लेना है, 1 इंच तो आपको मार्जिन चाहिए ऊपर और नीचे दोनों साइडों में। देखिए मैंने ये ले लिया, और यहाँ सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर दे, दोनों स्लीव एक साथ कट हो जाएंगी। अभी जो ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट दे देंगे, उसके बाद आपको ये 10 इंच लेना है जो ये साइज का 40 साइज का ब्लाउज के लिए, जो ये विथ मार्जिन 10 लिया है मैंने। अब नीचे से हम 3.5 इंच ले लेते हैं, 3.5 इंच से गुलाई दे देते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारी गुलाई आ गई। अभी हम बताते हैं मोहरी का मेजरमेंट। तो मोहरी हमारी तैयार में 15 इंच है, और इसमें हम ज़्यादा नहीं 1.5 इंच के आसपास आप ले लें, तो 9 इंच। देखिए जो तैयार रहेगा हमारा ये पॉइंट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तैयार में ये हमारा सिलाई मार्जिन है। इसके बाद शोल्डर पॉइंट दे दें। तो ये तो देखिए स्लिप कटिंग हो गई। अभी आपको बताते हैं इसमें एक्स्ट्रा कटिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये स्लिप सीधा है, अब दूसरा स्लिप भी हम इसके ऊपर सीधे ही रखेंगे। तो आप ऊपर देखेंगे तो उल्टा आएगा, और नीचे देखेंगे तो उल्टा आएगा, बीच में हमारा दोनों सीधे स्लिप रहेंगे। हमेशा जब भी कटिंग करें या तो उल्टे रखें आगे पीछे, या फिर सीधे रखें, बराबर से रख लें।
और जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन से लेके एक्स्ट्रा कटिंग दे दें 1/2 इंच शोल्डर से थोड़ा सा नीचे तक। तो जब भी आप स्टिच करें, जो एक्स्ट्रा कटिंग है ये फ्रंट में आनी चाहिए और जो हमने कम कट किया ये बैक साइड में, तभी इसकी फिटिंग जो है परफेक्ट आएगी। तो देखिए अभी इसमें तो मालूम पड़ रहा है उल्टा सीधा, अगर आपके कपड़े मालूम नहीं तो फर्स्ट टाइम ही क्रॉस का निशान लगा दें। तो देखिए ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हम इसको रख के लाइनिंग कट कर लेते हैं। लाइनिंग कट करने के बाद जो हमारा ये पॉट नेक है इसके लिए कैनवास और पट्टी कट करेंगे, जो आगे वाला है सेम इसके लिए। तो देखिए मैंने सेम ड्राफ्ट ब्लाउज का रख के लाइनिंग भी कट कर लिया। देखिए ये फ्रंट पीस है, ये बेल्ट बेल्ट है और ये बैक साइड है, और देखिए ये स्लीव है। अभी जो हमने ये बोट नेक, ये पॉट नेक कट किया था, इसका जो ड्राफ्ट है इसको रख के मैं कैनवास, और देखिए मैंने ये पट्टी भी कट कर लिया। इसकी चौड़ाई ली है वो 1.5 इंच ली है, और आपको आपको बताती हूँ किस तरह मैंने इसको कट किया था। तो ये सब साइड में रख देते हैं। तो देखिए कैनवास मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, और ये मैंने इसका जो ड्राफ्ट है इसको रख लिया है। तो जो कैनवास की चौड़ाई लूँगी वो 1 इंच लूँगी, क्योंकि कपड़े की मैंने 1.5 इंच ली है, तो 1/2 इंच हमारे इसके ऊपर आ जाएगा कपड़ा जो है। तो इसको इस तरह से रख लें और सेम इसको कट कर दें। तो देखिए मैंने नीचे 1 इंच ही छोड़ा है, तो सेम शेप में इसको गुलाई में कट कर लेंगे भी। देखिए इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से निकला है, तो ये कितना सुंदर नेक हमारा लगेगा। नीचे से पूरा ब्रॉड आएगा यहाँ पे हमारा पॉट से, और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था जिसकी जो गहराई दी थी अंदर की तरफ, यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे। अभी मैं आपको इसमें प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए आज ये पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये लाइनिंग है और जो ब्लाउज है, पहले लाइनिंग को इस तरह से रख लें, क्योंकि पहले आप इस दोनों पीसों को सेट करेंगे उसके बाद ही आपको प्लेट डालना है। पहले ये पूरा इसको स्टिच कर दें, तो ये दोनों पीस जो है सेट हो जाएंगे। जब ये दोनों पीस सेट हो जाएं उसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो ये आपको तरीका बताती हूँ प्लेट डालने का। तो यहाँ पे सेंटर पार्ट ले लें बैक साइड का, सेंटर पार्ट से 4 इंच ले लें, और सेम 4 इंच दूसरी साइड में ले लें, और इसमें 5 इंच लंबी प्लेट डाल दें। तो देखिए जब आप इसको डालेंगे तो इस तरह से ही क्रॉस में आएंगे ये दोनों साइड में, 1/2 इंच दोनों साइड में आपको ये पकड़ना है। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरह से पकड़ना है जो सेंटर लाइन हमने खींची है, और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में डाल दें। अभी आपको आगे का तरीका बताती हूँ कैसे डालने आगे के पीस में। सेम इसको भी इसी तरह से कर लें जैसे कि मैंने बैक बताया आपको, और इसको भी इस तरह से करने के बाद उल्टा रख लें। आपको यहाँ से सेंटर से 4 इंच लेना है, और 4 इंच से लेके यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा लें, और 1 इंच यहाँ पर निशान लगा लें, और इसकी प्लेट जो है आप 3.5 इंच लंबी डालें। तो हम जो 2 इंच की प्लेट डालेंगे तो इससे क्या है हमारा कप साइज बहुत अच्छे से बन के आएगा, और जो इसकी फिटिंग है परफेक्ट आएगी। तो ये प्लेट जो है इस तरह से आएगी। उसके बाद ये सेंटर पार्ट ले ले हुक पट्टी का, जैसे 6 इंच है तो 3 इंच ले लें, और इसको भी 3 इंच लंबी प्लेट डाल दें। सेम इसको हमको ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा कम लेना है कपड़ा। उसके बाद ये मुड्डे में, तो यहाँ से हमने 6 इंच पे जो गुलाई दी है वहाँ से ले लें, और इसको 4.5 इंच लंबी प्लेट डाल दें। इसको भी सेम इसी तरह से आपको डालना है, ज़्यादा नहीं लेना है इसमें भी। और इधर हमको प्लेट डालनी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर गुलाई दे दी है, तो ये हमारी गुलाई एकदम बराबर से आ जाएगी, यहाँ पर प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपका कपड़ा यहाँ पर ज़्यादा बचता है तो आप एक इसकी प्लेट डाल सकते हैं, तो इसका भी सेंटर लेके सेम डाल सकते हैं। देखिए चौथी प्लेट हमारी इस तरह से आएगी। तरीके से ये बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट ब्लाउज कैसे सिलते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।